यूपीपीसीएस और यूपीएससी तैयारी को लेकर के ये तीसरा वीडियो है। पहले के दो वीडियो आप जरूर देखें, तभी ये तीसरा वीडियो देखने पर आपको इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। तो आज जो है, मैंने पिछले के वीडियो पर आपको पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री इन सब के बारे में बताया कि किसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है। हिस्ट्री के बारे में बताया, ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बताया, पॉलिटी के लिए बुक्स बताई, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे जीएस का पेपर थ्री इकोनॉमिक्स, इससे संबंधित जो किताबें हैं और इससे संबंधित जो बुक्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो इकोनॉमिक्स के लिए है, उससे फेक ही किताब है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रमेश सिंह की एक बुक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से, बस एकमात्र बुक, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था आप ले लें, यहाँ से काम आपका सारा का सारा हो जाएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, एनसीईआरटी क्लास 11 की न्यू एनसीईआरटी आती है, उसको बिल्कुल से परचेज कर लीजिए, काफ़ी अच्छी एनसीईआरटी है, सारा काम हो जाएगा। तो इसके अलावा क्लास 12 की न्यू एनसीईआरटी दो हैं, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है, ठीक है, माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इनमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ना। जहाँ पे कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स हैं उनको बिल्कुल मत पढ़िए, जहाँ पे कैलकुलेट करके जीडीपी निकाला गया है या ग्राफ के द्वारा बेरोजगारी दर ऐसे कुछ निकाला गया है, उनको पढ़ने की जरूरत, वो सामान्य अध्ययन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो सामान्य अध्ययन के लिए हमें सामान्य जानकारी चाहिए, यहाँ पर हमें इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, जो आपका सिलेबस है। यहाँ पे हमें अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है इकोनॉमिक्स के लिए, एक तो रमेश सिंह, सारा काम यहाँ से ही हो जाएगा, लेकिन अपना बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी जरूर ले रहे। इसके बाद साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक के लिए टाटा मैकग्रा हिल की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। टाटा है मैकग्रा हिल की बुक यदि आप ना मिल पाए, या फिर उसकी टीएमएच की विज्ञान के नाम से, यह साइंस एंड टेक पर बहुत ही अच्छी बुक विजार्ड पब्लिकेशन की है। विजार्ड पब्लिकेशन की वजह से सारी जितनी उसकी बुक्स हैं, सारी बुक्स अच्छी हैं। विजार्ड पब्लिकेशन आईएएस और पीसीएस को ध्यान में रखकर ही सारी बुक्स डिजाइन करता है। तो विजार्ड पब्लिकेशन की साइंस एंड टेक मस्ट है। इसमें नैनो प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, वो सारे मुद्दे उसमें कवर कर लिए गए हैं। जहाँ तक बात है जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस के लिए जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री इस तरीके के पोर्शन है, क्योंकि आप सिलेबस देखिएगा, साइंस एंड टेक अलग चीज़ है, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक अलग चीज़ है और सामान्य विज्ञान एक अलग चीज़ है। तो सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट की बुक आती है, पतली सी बुक, लूसेंट की, केवल सामान्य विज्ञान के नाम से ही है, वो बुक पढ़नी है। सामान्य उसकी जो जीके वाली बुक है वो नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। एक लूसेंट की जीके की बुक भी आती है, वो नहीं पढ़ना, उसकी जगह आपको सामान्य विज्ञान की जो बुक लूसेंट की आती है उसे पढ़ लीजिए, उससे काम कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। पर्यावरण के लिए एक बुक आती है इराक भरूचा, इराक भरूचा की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है इराक भरूचा, ठीक है, इसको आप ले लीजिए, सारा काम यहाँ से हो जाएगा इराक भरूचा से। इन्वायरमेंट से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो करंट से पूछे जा रहे हैं, जैसे पेरिस समझौता है, पेरिस समिट है, या फिर और भी। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर वगैरह भी मैं अभी बताऊंगा कि हिंदी मीडियम के लिए कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा है, इंग्लिश मीडियम के, तो वहाँ से चीज़ें कवर करनी, वहाँ से ट्रैक करनी है। या मंथली मैगजीन्स भी आपको पढ़नी है करंट अफेयर्स में, तो मंथली मैगजीन्स के में भी ये सारे टॉपिक्स आते हैं, कवर हो जाएंगे। जो पर्यावरण से संबंधित एक जो समझ है वो इराक भरूचा से आपका कंप्लीट हो जाएगा, इराक भरूचा, ठीक है। इसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए अदर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना पढ़ लीजिए और करंट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसमें सम्मिलित है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है इंटरनल सिक्योरिटी, ये आईएएस में है इंटरनल सिक्योरिटी, कुछ पीसीएस में भी है, शायद एमपीपीसीएस में टॉपिक जोड़ा गया है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ऐसे कोई बुक नहीं है जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट रूप से लिखी गई हो। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पढ़ लें, जिसमें आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, उससे काम हो जाएगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो उसकी रिपोर्ट है उससे काम हो जाएगा, ठीक है। नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगी आपको ये रिपोर्ट। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए मैंने बताया, साइंस एंड टेक के लिए बताया, विज्ञान में एनसीईआरटी मत पढ़िए, ठीक है, वो एनसीईआरटी उसकी अलग, उतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आप लूसेंट और ये काम कर लीजिए। एनवायरनमेंट पे भी एनसीईआरटी है नहीं, एक भी एनसीईआरटी एक है लेकिन वो ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इराक भरूचा से ही पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट भी उसमें कवर हो जाएगा इराक भरूचा में ही, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पढ़नी है। इसके बाद इथिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इथिक्स, पूरा 250 नंबर का वेटेज रखता है इथिक्स और ऐसे,
ये दो ही टॉपिक हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं, 250 का एसे, 250 का इथिक्स। इथिक्स के लिए सबसे, इसके लिए कोई पर्टिकुलर ऐसे बुक नहीं है, इसके लिए आती है भारती भवन प्रकाशन की बुक, भारती भवन प्रकाशन, ठीक है, भारती भवन प्रकाशन की एक पतली सी बुकलेट आती है नीति शास्त्र के नाम से, ये बुक आप ले लीजिए। दूसरा क्रॉनिकल आईएएस ने भी बुक निकाला है, तो क्रॉनिकल आईएएस की भी बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। क्रॉनिकल आईएएस ने काफी अच्छा एथिक्स का पूरा एक एक टॉपिक को लेकर के उन्होंने डिस्क्राइब किया है, तो क्रॉनिकल आईएएस का बुक ले लीजिए, वहां से भी काम हो जाएगा, ठीक है। एक बार अवधारणा समझ जाए एथिक्स में, चीजों को समझ जाए, इसके बाद काफी अच्छे से चीजें हो जाएंगी। इथिक्स मैं कुछ समय बाद फिर पढ़ाऊंगा, भी चैनल में भी अपलोड करूंगा इथिक्स के वीडियो, तो यहाँ से भी आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए इथिक्स के लिए भारती भवन प्रकाशन की एक पतली सी बुकलेट आती है और क्रॉनिकल आईएएस की एक बुक आती है। इसके अलावा द्वितीय प्रशासनिक सुधार की एक रिपोर्ट है, शासन में नैतिकता, द्वितीय प्रशासनिक सुधार की चौथी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का शीर्षक ही है शासन में नैतिकता, तो वो जरूर ले लीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छे आपको, यहाँ तक कि जो 2013-14 में बहुत सारे क्वेश्चन आए जो वहां से टैगलाइन उठा के उन्होंने लिख दिया है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, हिस्ट्री के बारे में बता दिया, इंडियन सोसाइटी के बारे में बता दिया, ज्योग्राफी के बारे में बुक्स बता दी गई, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, आईआर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स। अब बचता है करंट अफेयर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे काफी बड़ी भूमिका करंट अफेयर्स निभाता है। करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले न्यूज़पेपर इंग्लिश मीडियम में यदि पढ़ने में आप एबल है, ठीक है, जो हिंदी मीडियम भी जिन्होंने ले रखा है, इंग्लिश मीडियम पढ़ने में योग्य हैं, तो वो द हिंदू न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ें। द हिंदू न्यूज़पेपर से अच्छा न्यूज़पेपर सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल वर्ग है भारत में वो द हिंदू न्यूज़पेपर ही पढ़ता है, ठीक है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो कभी बाद में अपलोड कर दूंगा कि कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना होता है। एक तरीका है जिसके माध्यम से आप कम समय में, बहुत लोग मुझसे बताते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी कई बार कमेंट करते हैं या फोन से मुझसे बात होती है, तो बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने में ही पूरा दिन चला जाता है। ऐसा नहीं है, न्यूज़पेपर के लिए मैक्सिमम 45 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मैं पर डे बताऊँ तो पर डे आप 15 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ें, बस इससे ज़्यादा नहीं। बाकी संडे के दिन 4 घंटे देना पड़ेगा आपको, ये 7 दिनों के न्यूज़पेपर के लिए, वो मैं एक टेक्निक है बताऊंगा, बहुत जल्द उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैंने सारी बुक्स बता दी, करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर, एक मैगजीन, मैगजीन कौन सी होगी, मैगजीन सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, अच्छी मैगजीन्स है, या फिर एक करंट अफेयर्स आती है दृष्टि पब्लिकेशन निकालता है, वो भी अच्छी मैगजीन है। मैं जितनी बता रहा हूँ उनमें से कोई एक ही पढ़नी है, एक सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल बहुत अच्छी मैगजीन है, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, यदि आप के पास अवेलेबल है, या करंट अफेयर्स के नाम से दृष्टि पब्लिकेशन निकालता है, दृष्टि आईएएस की एक बुक निकलती है, मार्केट में अवेलेबल है, उसे ले लीजिए। घटनाचक्र भी मासिक पत्रिका निकालता है, घटनाचक्र की साइट से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से घटनाचक्र, इन तीन में से कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए जिसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा योजना, हर महीने एक योजना निकलती है प्रकाशन विभाग द्वारा, भारत सरकार का प्रकाशन विभाग इसे निकालता है। योजना के अलावा कुरुक्षेत्रा, काफी अच्छी मैगजीन्स हैं, कुरुक्षेत्रा ले लीजिए, योजना, कुरुक्षेत्रा। इसके अलावा हर साल में, एक साल के अंदर अंदर, जैसे ही एक साल कंप्लीट होता है, हर साल लगभग फरवरी के महीने में भारत सरकार का प्रकाशन विभाग ही इंडिया ईयर बुक निकालता है, इंडिया ईयर बुक। अब इंडिया ईयर बुक 2017 आ चुकी है, अब आप यदि 2018 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2018 की इंडिया ईयर बुक जरूर खरीदिएगा। इंडिया ईयर बुक में पूरी साल भर की घटनाएं भी होती हैं और जितने भी मंत्रालय होती हैं उनका बड़ा ही अलग अलग तरीके से हर मंत्रालय के जितने भी कार्यक्रम होते हैं इंडिया ईयर बुक में समेट दिए जाते हैं। हर साल 2 से 3-4 क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक से प्री और मेंस दोनों में निकल के आते हैं, तो इंडिया ईयर बुक भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कितना आपको बताया, एक तो द हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदी मीडियम वाले हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत है या नहीं पढ़ सकते, तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है, दैनिक जागरण ऊपर राष्ट्रीय संस्करण लिखा होगा, लोकल न्यूज़पेपर मत पढ़िएगा, या फिर आप दैनिक जागरण के साइट पे जाइए, वहां पर दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। दैनिक जागरण के बहुत सारे संस्करण है, लोकल लैंग्वेज में भी निकलते हैं, ठीक है, तो आपको लोकल एडिशन नहीं पढ़ना, अपने गांव का, अपने जिले का एडिशन नहीं पढ़ना, उसका राष्ट्रीय नेशनल एडिशन एक ही आता है, उसको आप, यदि आप दूर दराज गाँव में रहे हैं तो साइट से मिल जाएगा, अन्यथा आपको
यहाँ से मिल जाएगा। ये एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, जैसे सब लोग अभी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, नई स्मार्टफोन है तो एक टैबलेट जरूर खरीदिए, 2-3-4 हज़ार में अच्छे टैबलेट मिल जाते हैं। एक टैबलेट ले लीजिए जिसमें आप कुछ एप्लीकेशन में बताऊंगा, वो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, उनसे भी काम करना है आपको, ठीक है। तो आपका पहला एप्लीकेशन है जो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हिसाब से, द हिंदू के नाम से, बहुत ही अच्छा द हिंदू। इससे आपको सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे जितने भी हैं, द हिंदू भी मिल जाएगा, दैनिक जागरण भी मिल जाएगा, और डेट वाइज इन्होंने क्रमशः लिख रखा है। आप यदि नहीं आपको मजा आता टैबलेट वगैरह या फिर लैपटॉप वगैरह में पढ़ना, तो आप इसका प्रिंटआउट निकलवा लीजिए, प्रिंटआउट से पढ़ लीजिए, जहां तक नहीं पहुंच पाए। जैसे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण हर जगह नहीं पहुंच पाता, ठीक है, उसकी पहुंच बहुत सीमित है। तो आपको जो है उसको, क्योंकि देखिए अब ये ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान लेके बैठ गए या पंजाब केसरी लेकर बैठ गए, ये सब लोकल लैंग्वेज वाले न्यूज पेपर पढ़ने नहीं, वहां पे जो न्यूज आएगी वो किसी, उनके व्यूअर्स उनके रीडर्स अलग होते हैं। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा आपको न्यूज पेपर पढ़ना है जहां से आपका काम हो जाए, ठीक है। कुछ मैं आपको, यदि आप घर पे टीवी पे देखते हैं तो टीवी के लिए भी मैं कुछ चैनल बताऊंगा, ठीक है। एफएम सुनते हैं, एफएम के लिए भी चैनल, मैं सब जितने भी मल्टीपल सोर्स होंगे वो सारे बताऊंगा। तो एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, ऐप कौन कौन से पढ़ने, मैंने करंट अफेयर्स सारा बता दिया आपको। एक द हिंदू न्यूज़पेपर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, नहीं दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण मिला, जनसत्ता मिल जाए, जनसत्ता का भी राष्ट्रीय वाला, ठीक है, जनसत्ता मिल जाए वो भी काम कर जाएगा, ठीक है। द हिंदू यदि पढ़ने में, अब इंग्लिश सीख लीजिए थोड़ा बहुत, ऐसा भी नहीं हो सकता कि बिना इंग्लिश के काम चल जाएगा। आईएएस या पीसीएस में फिर ट्रेनिंग तो इंग्लिश में ही होनी है ना, तो इंग्लिश में पढ़ने में धीरे धीरे सीख भी जाएंगे इंग्लिश, ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इंग्लिश फिर आप नहीं सीख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे वहां से आपको काम करना है। इसके अलावा मैंने मैगजीन्स बता दी, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल या फिर दृष्टि या फिर घटना चक्र में से कोई एक मैगजीन ले लीजिए। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, घटना चक्र पीसीएस वालों के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, जो पीसीएस कर रहे हैं घटना चक्र की मासिक मंथली मैगजीन, उसको धीरे धीरे कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। या फिर जब कभी एग्जाम के नजदीक आप आते हैं तो वहां पर ईयरली मैगजीन्स भी आती है, घटना चक्र भी अपना निकालता है पूरा जो है एग्जाम से पहले निकाल देगा, या परीक्षा मंथन भी एक मैगजीन निकालता है काफी अच्छी, परीक्षा मंथन एक प्रकाशन है आईएएस के एग्जाम के पहले, अभी पीसीएस के एग्जाम के पहले, अभी 24 सितंबर वाला एग्जाम है उसकी मैगजीन शायद मार्केट में आ चुकी है, तो आईएएस के पहले भी निकाला था उसने। मैं आईएएस के पहले जो मैगजीन है ये दिखा देता हूँ, ये है परीक्षा मंथन, लक्ष्य के नाम से होती है, लक्ष्य 2017, ठीक है, काफी अच्छा इसका मटेरियल है। यदि आप इस करंट अफेयर्स को बाद में रिविजन का काम करेंगे, ठीक है, एक ईयर बुक की तरह है कि पूरा एक साल का इसने कंप्रेस करके सारी इंपॉर्टेंट न्यूज डाल दिया है, तो परीक्षा मंथन का पूरा एक राउंड फिगर ले लें एक साल का वहां पे एग्जाम के टाइम पीरियड पे, या फिर विजन आईएएस, विजन आईएएस की साइट पे जाएं, विजन आईएएस इंटरनेट में आप नेट पे गूगल पे सर्च कीजिएगा विजन आईएएस, उसकी साइट पे जाएं, वहां से आपको मैगजीन मिल जाएंगी, ठीक है, करंट अफेयर्स की मैगजीन, बहुत ही आईएएस के लिए रामबाण चीज है, पढ़ना ही पढ़ना विजन आईएएस, ठीक है। तो कितनी मैंने काफी ज्यादा करंट अफेयर्स के सोर्स बता दिए आपको, पहले एक न्यूज़पेपर द हिंदू या न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है ये मैं बताऊंगा, वीडियो एक बना दूंगा उसमें आपको न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है उसके बारे में डिटेल नॉलेज दूंगा। बुक्स आपको बता दिया मैंने, करंट अफेयर्स के बारे में बता दिया कि द हिंदू न्यूज़पेपर या दैनिक जागरण या जनसत्ता में से कोई मिल जाए, या इसके अलावा आप जो है कौन कौन सी मैगजीन्स पढ़ेंगे, विजन आईएएस की मैगजीन आती है उसको डाउनलोड कर लीजिए, 72 से 80 पेज होते हैं, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, दृष्टि, ये सबसे काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त योजना, कुरुक्षेत्र, ये सब मेंस के काम में आएंगे, मेंस में आपको लिखने की स्किल चाहिए ना, योजना से आपको सरकार की पूरी योजनाएं जो आने वाली हैं या आ चुकी हैं उनके बारे में बड़ा ही विश्लेषणात्मक चिंतन दिया जाता है। इन मैगजीन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग का जो ढक्कन है ना वो खुल जाएगा, बंद ढक्कन धीरे धीरे खुलने लग जाएगा, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी जब आप इनके आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे। योजना में ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे आर्टिकल पढ़ने, योजना में आपको 2-3-4 आर्टिकल ही पढ़ने होते हैं। यदि आपको ये चीजें कंप्रेस करनी हो कि कम कैसे ज्यादा ना पढ़े, तो एक फेसबुक में एक पेज है, आप जाकर के उसको लाइक कर सकते हैं, हेमंत झा आईएएस एकेडमी के नाम से, हेमंत झा आईएएस एकेडमी एक फेसबुक पेज है, वहां पर जाइए, वहां पर 7 दिनों के द हिंदू का पूरा आपको डाल दिया जाएगा कि द हिंदू में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वहाँ पे पेज नंबर होगा। कोई कोई दिन ऐसा होगा कि उस दिन का आपको द हिंदू पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए टाइम बच गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही नहीं, ऐसा नहीं कि हर दिन न्यूज आ रही है इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, वो न्यूज़पेपर में तो रोज कुछ ना कुछ वो उनका छापना काम ही है, दैनिक उनका न्यूज़पेपर ही है, तो आपको वहां से आपको पेज नंबर और न्यूज का पता होगा कि ये न्यूज का हेडिंग है, वहां से आप जाकर के काम कर सकते हैं। दूसरा काम आपको
द हिंदू से आपका एक काम हो जाएगा, और दूसरा वहाँ पे योजना की सारी चीजें मिल जाएंगी, योजना में कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, किसी किसी योजना में आपको कुछ नहीं पढ़ना होता, यानी वो पूरे महीने की योजना आपके काम की नहीं है। या फिर कुरुक्षेत्र का भी सर डाल देते हैं। इसके अलावा दो मैगजून का और डालते हैं, एक आती विज्ञान प्रगति, ठीक है, हिंदी में विज्ञान प्रगति और इंग्लिश में साइंस रिपोर्टर। यदि आपको ज्यादा समय बच रहा हो या फिर पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो विज्ञान की बहुत ही अच्छी मैगजीन है विज्ञान प्रगति, ठीक है, विज्ञान प्रगति ले लीजिए। और एक आती है वर्ल्ड फोकस, आईआर के लिए काफी अच्छी बुक, आईआर के लिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए ये बहुत ही अच्छी किताब है वर्ल्ड फोकस। वर्ल्ड फोकस इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, ठीक है, तो आप जो है इसको भी ले सकते हैं, इसके भी सर आर्टिकल डाल देते हैं, ठीक है। वर्ल्ड फोकस, आईआर मैंने आपको बताया, आईआर के लिए बुक बताई थी, कुछ पेश पंथ की बुक बताई थी आपको, तो वर्ल्ड फोकस भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ल्ड आईआर का टॉपिक बढ़ता जा रहा है, प्री में भी क्वेश्चन पूछ रहा है आईआर से, मेंस में तो पूछते ही है, तो आईआर के लिए वर्ल्ड फोकस पढ़ेंगे तो एक बार में समझ विकसित हो जाएगी। कुछ मैगजीन्स पढ़ लीजिए आईआर, वर्ल्ड फोकस की 2-3 महीने के सब्सक्रिप्शन पढ़ लीजिए, इसके बाद आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने करंट अफेयर्स में काफी विस्तृत रूप से आपको बता दिया। एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ, एक तो द हिंदू न्यूज़पेपर के का एप्लीकेशन है, उसमें चीजें आपको सारी न्यूज़पेपर मिल जाएंगे हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इसके अलावा एक आता ऑनलाइन तैयारी के नाम से, धनखड़ प्रकाशन का ही ये ऐप है, और इसलिए इस ऐप में बहुत ही अच्छा आपको मल्टीपल चॉइस आपको टिक मार्क करके न्यूज करंट अफेयर्स के लिए, खाली टाइम जब हो, जब पढ़ने में मन न लगे तब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया कीजिए, ठीक है, खाली जब मन ना लगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप अपने साथ रखिए, भी पूरा सेट रखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, ताकि जो है कभी जो है प्रैक्टिस भी आप करते रहें। मैं आपको बता देता हूँ, आईएएस के लिए भी बताऊंगा, पीसीएस के लिए भी बताऊंगा, दोनों के लिए बता दूंगा, ठीक है। तो आपको जो है सबसे पहला काम क्या करना है, एक आपको ऐप डाउनलोड करना है द हिंदू के नाम से जो है, उसमें पूरे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। दूसरा एप्लीकेशन आपका एक आता है आईएएस एग्जाम पोर्टल के नाम से, आईएएस एग्जाम पोर्टल का ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको पर डे की जो उसका आइडियो नोट्स के नाम से एक सेक्शन होगा, आइडियो नोट पे जाइए, पर डे जो है वहां से आप सुन सकते हैं जो डिस्कशन होता है एआईआर एफएम गोल्ड पे, ठीक है, या प्रसार भारती में, और डिस्कशन वहां पे अपलोड कर दिया जाता है। तो आईएएस एग्जाम पोर्टल का ऐप ले लीजिए। इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक ऐप है आपका AIR FM Gold का, बहुत ही अच्छा ऐप है, उसको भी ले लीजिए। एक Google Calendar के नाम से भी एप्लीकेशन आता है, Google Calendar से आपका पर डे का रूटीन, वहां पर आप जो भी करते हैं उस पे जो है पूरा टाइम बाय टाइम आप मेंटेन रखिए, कुछ समय बाद आपको पता चल पाएगा कि मैं कौन सी चीजें सही कर रहा हूँ, किस चीज में टाइम गलत जा रहा है, ठीक है। तो Google Calendar आप ले लीजिए, उसमें अपना पूरा दिन भर का रूटीन जो है, जैसे जैसे जो भी कर रहे हो आप, बनाइए मत रूटीन, आप अपने आप को ढालिए कि आप पूरे दिन वही काम करें, ठीक है, जो भी करे ईमानदारी से उसमें गूगल कैलेंडर में डेट और टाइम के साथ लिखते चले जाए, 7-8 दिन बाद आपको पता चल जाएगा टाइम कहाँ खराब हो रहा है, कहाँ जा रहा है। तो एक तरीके से इस तरीके से आपकी रूटीन भी बेहतरीन हो जाएगी। तो कुछ ये सिलेक्टेड ऐप रखिए, बाकी ज्यादा भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है, भीड़ ऐसे तो 500 ऐप है भरे पड़े हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता दी। हाँ, टीवी के लिए यदि आप न्यूज देखते हैं, न्यूज चैनल सिर्फ एक ही देखिए, राज्यसभा टीवी का, राज्यसभा टीवी में 8 बजे से लेकर 9 बजे 1 घंटे पूरा न्यूज आता है, या 7 बजे से बैठ जाइए, 7 बजे देश देशांतर आता है, देश देशांतर के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है देश देशांतर, न्यूज पेपर का आर्टिकल पढ़ लीजिए, देश देशांतर देख लीजिए, पूरा एनालिसिस होता है उसमें, पढ़ने का कोई एक इंपॉर्टेंट घटना ले लेंगे और उसमें पूरा बहुत सारे विशेषज्ञ लोग बैठ के एनालिसिस करते हैं। तो आप देश देशांतर देख सकते हैं राज्यसभा टीवी का, और इसके अलावा ये भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त और आपको 2-3 कार्य करने हैं। सबसे पहला जो है AIFM गोल्ड, AIR का पर डे न्यूज आता है 8:45 पे शाम को, ठीक है, वहां पे जाइए, FM गोल्ड 106.4, ठीक है, मेगाहर्ट्ज़, एक जो फ्रीक्वेंसी है 106.4 फ्रीक्वेंसी पे जाना है, 8:45 पे हिंदी में आता है, 15 मिनट का न्यूज कैप्सूल होता है, इसमें पूरा दिन का जो घटना है वो सारा आपको मिल जाएगा, समाचार संध्या के नाम से आता है, तो प्लीज प्लीज इसे जरूर सुने, इससे आपको पूरे दिन का निचोड़ करंट अफेयर्स का मिल जाएगा। मॉर्निंग में जब आप न्यूज पेपर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वही न्यूज आपको वहां पर मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तरीके से सारे टॉपिक्स बता दिए, सारे सब्जेक्ट बता दिए। इसके अलावा पीसीएस वगैरह में एक आप जब एग्जाम सब कुछ कंप्लीट हो जाए, तो एग्जाम कंप्लीट होने के बाद, हाँ एक चीज और बताऊंगा, पर्यावरण के लिए एक बुक और, पर्यावरण के मैंने इराक भरूचा बताई है, एक बुक है परिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ये परीक्षा वाणी की बुक है,
ठीक है, एसके ओझा की, ये भी आप यदि खरीद सके तो खरीद लें, क्योंकि इसमें जो है पीसीएस के लिए काफी काम कर जाएगा। पीसीएस के लिए जो फैक्चुअल टाइप चीजें होती हैं या बहुत सारी समिट हुई हैं या फिर मेंस के लिए भी लास्ट में इन्होंने कुछ चैप्टर बना दिए हैं मेंस के लिए, और करंट भी इसमें इन्होंने कवर किया है। तो पर्यावरण और परिस्थितिकी, ये बुक भी आप पर्यावरण की ले लें, काफी अच्छी बुक है। इसके अलावा फिर कुछ नहीं पढ़ना, इराक भरूचा, परीक्षा वाणी की एसके ऊर्जा की बुक, ये भी काम कर जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल सारे काम हो गए। अब आपका जैसे ही सिलेबस कवर हो जाए, प्री के एग्जाम के पहले पहले एक दो महीने पहले पहले टेस्ट सीरीज जरूर करनी चाहिए। तो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज आती है, मार्केट में अवेलेबल होती है, आप विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज मार्केट में जाकर परचेज कर लें और इससे जो है पूरे टेस्ट दें आईएएस के लिए। ठीक है, पीसीएस के लिए नहीं है, आईएएस के लिए है, पीसीएस के लिए उपयोगी हो सकती है, क्यों नहीं, वही सारे क्वेश्चन वहां पे भी मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने लेवल मेंटेन किया वो आईएएस के लिए किया। काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है, जितने भी इनके वैल्यूम आते हैं टेस्ट सीरीज के, लगभग 35-36 टेस्ट होते हैं, इन सारे टेस्ट को आप यहाँ से करेंगे, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। टेस्ट का करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं फंसेंगे आपके एक भी, लेकिन आप एक माहौल क्रिएट कर पाएंगे एग्जाम नेशन हॉल जैसा, जैसे एग्जामिनेशन हॉल का एक माहौल होता है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने सारी चीजें आपको बता दी। हाँ, ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी के साथ आपको पास एक एटलस होना बहुत जरूरी है। अब एटलस मैं आपको बता देता हूँ, एक एटलस है स्टडी टुडे पब्लिकेशन का, यदि ये मिल जाए तो बहुत अच्छा एटलस है। ठीक है, इससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को बताया गया है, यहाँ तक कि मेरा मानना है कि आईएएस को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है, इसमें लास्ट में इन्होंने जो चैप्टर बनाए हैं, देखिए आप पर्टिकुलर एक टॉपिक भारत है, भारत के दर्रे लेकर इन्होंने दिखा दिए, भारत के पठार दिखा दिए, ठीक है, इसके अलावा मैदान दिखा दिए, जलप्रपात दिखा दिए, एक एक टॉपिक जो काम आपको करना है उसको इन्होंने बड़े आसानी से कर दिया। ठीक है, नदी और झील दिखा दिए, इसी तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में इन्होंने वर्ल्ड का विश्व का जो मानचित्र है वहां पर भी एक पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पे इन्होंने बना दिया। तो आप यदि स्टडी टुडे पब्लिकेशन लेंगे तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और जब भी ज्योग्राफी पढ़ें और कोई भी लोकेशन देखें तो इस मैप में जरूर देखते चले जाएं। यदि जिनको स्टडी टुडे पब्लिकेशन ना मिले तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले लें, इंग्लिश में, हिंदी में मत लीजिएगा। ठीक है, इसका इंग्लिश वाला एडिशन ही अच्छा है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस का। तो इस तरीके से जो स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस है, हर जगह शायद ना मिल पाए, ये मुखर्जी नगर दिल्ली में जरूर मिल जाएगा, वहीं से मैंने भी लिया है। तो ओवरऑल जो है ये पूरा मैंने समग्र सारी बुक्स सारी लिस्ट आप तक पहुंचा दी है। पहले आप प्रीवियस ईयर और सिलेबस पे काम कीजिए, इसके बाद इन सब सब्जेक्ट पे काम कीजिएगा। ठीक है, अब बचा ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको कैसे चूज करना है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगा। यहाँ पर मैंने प्री और मेंस के लिए पूरी चर्चा कर दी है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, पूरा न्यूज़पेपर लेके फिर पूरा एनालाइज करूंगा, 2-3-4 दिन बाद वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, और आप जो है प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कोई भी मैं आपके यदि आप देख रहे हो मुझे सुन रहे हो, ठीक है, मेरे चैनल तक आपकी पहुँच आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं, और आप कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी लोकेशन भी मुझे बता दें कि आप कहाँ से हैं। ठीक है, थोड़ा सा यदि आप मुझे अपना यदि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो यदि वो भी बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो आप एक बार अपना वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और अपनी तैयारी आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद।